मार ना है ना काल वाली ज्ञान धर्मा वाली ये देखिए ये है असल में रोटी ये है परोसने का तरीका। अगर आप देखेंगे तो जी अगर आप देखेंगे तो दादा की मेहमान नवाजी का जो तरीका है वो बड़ा यूनिक सा है। हम लोग लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर इटौंजा के पास एक गांव में आए हुए थे कैंप के लिए, और वहां हमने आकर के जब देखा तो हमारे दादा इन्होंने हम लोगों को खाना परोसा और खाना ऑफर किया। आप इनको एक बार देखेंगे तो हमें शिबू सोरेन की याद आ गई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। तो उन्होंने बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोगों को खाना परोसा। और अगर खाने का अगर आपको प्रारूप देखना है तो आपको कुछ इस तरीके से ये देखना, बहुत ही शुद्ध गांव की देसी सब्ज़ी, और देसी सब्ज़ी के साथ साथ ये देखिए ये बेहतरीन सी रोटी और बहुत ही अच्छी। हाँ तो खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये हमारे हिमांशु साहब और हमारे डॉक्टर सिराज और हमारे अल्फा हॉस्पिटल की कर्ता धर्ता डॉक्टर गुलकादिर साहब, हमें भी ऑफर किया गया है तो हम भी बैठेंगे। आशु साहब ये देखिए, आशु साहब ये मक्खन भी परोस रहे हैं, सफ़ेद मक्खन। वाह ये तो सफ़ेद मक्खन है, इंटरेस्टिंग है यार, ये तो बहुत ही शानदार है। मक्खन कैसा है डॉक्टर? बहुत टेस्टी पवन मक्खन है भाई, बहुत ही टेस्टी मक्खन। खा के बताइए। बहुत टेस्टी है और बहुत शुद्ध मक्खन है, दांत और जो दिहार जैसी गाय का मक्खन लग रहा है। ये देखिए मक्खन अगर आप देखेंगे तो ये है, देखिए भैंस का मक्खन है, देसी एकदम पूरा देसी मामला है। रोटी सब्जी मक्खन और साथ ही साथ गांव वालों का प्यार और बाबा जी का बहुत ही ज़्यादा इज्जत और एहतराम के साथ खाना ऑफर करना। ये देखिए मक्खन से सनी हुई रोटी, ये बिल्कुल गांव का चरित्र है और इतना शानदार है कि मैं क्या बताऊं, मतलब गांव का खाना ऐसा ही होता है। ये मक्खन लगाया ये देखिए बिल्कुल गर्म गर्म रोटी। और इनको दरअसल मक्खन नहीं पसंद था तो बाबा ने फौरन इनके लिए बगैर मक्खन का गर्म गर्म रोटी ला करके ऑफ़र कर दिया, और ये बहुत ही शानदार। ये देखिए जरकोनिया क्या होता है? तो ये बनाते कैसे हैं? और दोस्तों खाने के साथ साथ आप जो पानी देख रहे हैं ना, इस पानी की खासियत यह है कि कोई आम पानी नहीं है बल्कि ये जरकोनिया पानी कहलाता है। और इसकी विशेषता यह है कि देखिए धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता रहता है, और ये बिल्कुल देसी मामला है इसका। ये देखिए बोतल में उसके पानी का कलर कुछ और है, गिलास में उसके पानी का कलर कुछ और है, और बाल्टी में अगर आप देखेंगे तो पानी का कलर कुछ और होगा। ये अगर आप कहें तो ये पूरी तरीके से शुद्ध और देसी मामला है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, रोटी हो, सब्ज़ी हो, मक्खन हो, कुछ भी हो। और लेकिन खाने वाले लोग देसी नहीं हैं, हालांकि देसी माहौल में खा रहे हैं तो आप इनको भी थोड़ी देर के लिए देसी मान सकते हैं। तो दोस्तों ये व्लॉग आपको कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।